नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो पोवर 6 प्रो 5G वर्सेस इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 6 Pro 5G में 6.52 इंच जबकि 40 Pro 5G में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि 6 Pro 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो 6 Pro 5G में 3 इंच जबकि 40 Pro 5G में 2.93 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि 6 Pro 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो 6 Pro 5G में 0.31 इंच जबकि 40 Pro 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो 6 Pro 5G में 195 ग्राम्स जबकि 40 Pro 5G में 190 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 6 Pro 5G में AMOLED जबकि 40 Pro 5G में फ्लेक्सिबल AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 6 Pro 5G में 1080x2460px FHD+ और 40 Pro 5G में 1080x2436px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 6 Pro 5G में 86.8% जबकि 40 Pro 5G में 89.33% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 6 Pro 5G में 396 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 40 Pro 5G में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 6 Pro 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है और 40 Pro 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 6 Pro 5G में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 40 Pro 5G की बात करें तो उसमें 13 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 6 Pro 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और 40 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 6 Pro 5G में Mali G57 MC2 जबकि 40 Pro 5G में INGBX M8-256 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 6 Pro 5G में MediaTek Dimensity 6080 और 40 Pro 5G में MediaTek Dimensity 7020 मिलता है। बात करें RAM की तो 6 Pro 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है, जबकि 40 Pro 5G में 1 ही ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 256GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो 6 Pro 5G में अप टू 1TB जबकि 40 Pro 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी 6 Pro 5G में 6000 mAh जबकि 40 Pro 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 6 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जिसमें कि 8 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस, 12 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें 40 Pro 5G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 23,990 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो टेक्नो पोवर 6 Pro 5G में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें इन्फिनिक्स नोट 40 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 40 Pro 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto G044G है, दूसरा Tecno Camon 35G है, तीसरा Realme 12 Plus 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Tecno Spark 20 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।